अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है day 7 और आज के फटाफट के व्लॉग में आप सबको बहुत सारा वेलकम है। तो आज मेरा दिन जो शुरू हुआ था ना वो हुआ ही एक्सरसाइज से था। सबसे पहले मैंने फेस एक्सरसाइज की, देन मैंने अपने नोज़ की कुछ मसाजिंग की और मैंने सीखा कि नोज़ को शायद मैं स्लिम कर सकती हूँ, थोड़ा अच्छी सी नोज़ मैं बना सकती हूँ जो मेरी फिनी ना आके। लेकिन देन मैंने सोचा कि जो 20-25 सालों में अभी तक ठीक नहीं हुई, बाद में क्या ठीक होगी। सो खैर दिन के टाइम जो है वो मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब मॉर्निंग में मैंने कुछ नहीं पिया। मॉर्निंग से लेकर जो है वो दोपहर 2 बजे तक सिर्फ पानी ही पिया था और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की। हाँ, लेमन वाटर लाजमी पिया था लेकिन और कुछ नहीं। देन मैंने आते हुए अपने लिए लेके आई हूँ चाट। चाट की दोनों चटनियाँ मैंने अलग पैक करवाई थी क्योंकि मीठी चटनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और मुझे थोड़ी चाहिए थी अभी फ़िलहाल, तो मैंने कम के साथ गुजारा किया। उसके बाद मेरी टिड्डी फिर नहीं भरी थी तो मैंने सोचा कि ना कुछ रोटी खाई जाए। तो रोटी थी यहाँ पर तंदूर की, जो कि बिल्कुल टूटनी थी रही और रबड़ की तरह हो चुकी थी ठंडी होके। और जो आज मेरी अम्मी जाने सालन बनाया था ना, वो था मूली का सालन, जो मैं कभी ना खाऊं लेकिन ये डाइट मुझे ये भी खिलवाती है। खैर, शाम की चाय में जो मैंने पिया वो था अदरक सौंफ इलायची और ग्रीन टी का मिक्सअप। और ग्रीन टी का पैक जो कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले खरीदा था वो मेरा ख़त्म हो चुका था क्योंकि मैंने अन्नी डाली हुई है आजकल तो ये मेरा ख़त्म हो गया था और मुझे नहीं लाना पड़ा। और ये मैंने इस मरतबा जो चूज़ किया है वो है जी प्योर ग्रीन, जबकि मुझे इसका और किसी फ्लेवर का कोई खास फ़र्क नहीं नज़र आया। बाकी अगर कोई फ्लेवर आप लेते हैं तो इसमें सेंट होता है, इस वाले में कोई और एक्स्ट्रा सेंट मुझे नहीं फील हुआ और ना ही था। देन जी ट्यूशन की कुछ बच्चे आए हुए थे तो उनको पढ़ाना था, उनको पढ़ाया। खैर, आज मौसम ने मेरे साथ काफ़ी मखौल किया है, बार बार मुझे ऊपर के चक्कर लगवाए जबकि बारिश होने से फिर भी मैं भाग रही थी कपड़े लाने के लिए, कपड़े ले जाने के लिए। अच्छा, जो आज की वीडियो का मेन पॉइंट था वो था सैलिसिलिक एसिड, जो कि मुझे आजकल क्योंकि गर्म चीज़ें भी खा हो रही हैं, जैसे कहवा वगैरह पी रही हूँ और साथ में वर्कआउट करती हूँ, वर्कआउट के दौरान स्लीव के साथ अपना मुंह साफ करती हूँ, उससे क्या होता है कि पिंपल आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मुझे एक अलग से टॉवल बाय करना पड़ेगा आपसे। खैर, सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, आपकी जो एक्टिव एक्ने होगी ना उसको फ़ौरन से ख़त्म कर देगा। अभी इसको 3 मंथ्स हो गए मेरे पास है और 3 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे ही कोई एक्ने होना शुरू होती है मैं इसको फ़ौरन से लगाती हूँ और लगा के रात को सो जाती हूँ और अगले ही दिन मेरा पिंपल जो है ना काफ़ी बैठ जाता है। ऑनलाइन मैंने इसको ऑर्डर किया था, आप जो है वो ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं या ख़ुद जाके ड्रग शॉप से इसको ला सकते हैं, तो ये रिकमेंडेड है। रात के टाइम आज मैंने खाया जी बर्गर, नहीं सॉरी सैंडविच, नॉट बर्गर, ब्राउन ब्रेड के साथ था, बगैर किसी सॉस के था। इसके अंदर था जी खीरा था, कैप्सिकम था और साथ में कल की बची हुई आधी टिक्की थी जो कि मैंने नहीं खाई थी, और साथ में वाइट एग लगाया था, मतलब कि मैंने योक निकाल दिया था और एग का वाइट लगाया था ओनली, और ये बहुत अच्छा बना था। एंड इसके बाद मेरा स्टमक मुझसे कह रहा था थैंक यू सो मच, और अल्लाह जाने शायद ये मुझे अगले ही मॉर्निंग मोटा भी कर दे। खैर, ये मोटा नहीं करता, इतना तो मुझे पता है कि ब्राउन ब्रेड जो होता है वो आपको अफेक्ट ज़्यादा नहीं करती, और दूसरा क्योंकि मैं सॉस नहीं यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए रात के टाइम ये हेल्दी है, तो मैं तो इसको खा सकती हूँ। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आप रात को जो है वो बर्गर शर्गर या ऐसी कोई चीज़ खा सकते हैं कि नहीं, ब्रेड वाली। अच्छा, इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने आज पैकिंग करनी थी अपनी दोस्त की जो कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से, और उसको पैकिंग वगैरह बड़ी ही सुंदर चाहिए होती है और मैं हूँ इस काम में ज़ीरो, नील, टोटली इन्फिनिटी नील तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई हैव जस्ट वन क्रे पेपर जो कि ब्लैक कलर के था अंदर था और मुझे स्टिल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। देन मैंने जो है वो गिफ्ट की लाश को पैक किया है और इसको ऐसे पैक किया है, इसको देख के उसको ट्रॉमा आ जाएगा कल। किचन के सारे बर्तन धो लिए मैंने और मुझे पता नहीं क्यों क्या हो गया है कि आजकल मैं इतनी ग्रीन टी पी रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगती है ये, और बस अब मैंने ये ग्रीन टी पीनी है और सो जाना है, दैट्स इट। सो ये थी जी आज की रूटीन, मिलते हैं कल वाली रूटीन में जिसमें एक पार्टी भी है, और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी डाइट के दौरान कोई पार्टी आ जाए तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।